हेलो एवरीवन माय नेम इज रिद्धि और ये लेक्चर्स में हम लोग पी ऑप्शनल डिस्कस कर रहे हैं दिस इज़ यूनिट वन मीनिंग एंड अप्रोचेस इसमें काफ़ी सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखो पूछे गए थे तो उसके बेसिस पर ये सारे नोट्स बने हुए हैं तो आपको दो चीज़ें ध्यान में रखनी है एक तो सिलेबस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन क्योंकि हर साल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रिपीट होते हैं अब आ, जो आज का टॉपिक है हम लोगों का पहले लेक्चर जिसने नहीं देखे हैं वो देख सकते हो कि किस तरीके से अप्रोच करना है हमें इस पूरे यूनिट को अब थिंकर्स पर्सपेक्टिव के बारे में हम लोग पढ़ेंगे जिसमें पहला है सेबाइन तो सेबाइन ही हम क्यों पढ़ रहे हैं क्योंकि इस पर ऑलरेडी यू ने क्वेश्चन पूछा था तो इसी वजह से ये टॉपिक इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए पढ़ना यहाँ से आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जैसे यूनिट की स्टार्टिंग में ही हमने बताया है कि इस टॉपिक से कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं तो 2009 में क्वेश्चन पूछा था कि कमेंट पॉलिटिकल थ्योरी इज क्वाइट सिंपली मैंस अटेम्प्ट टू कॉन्शियसली अंडरस्टैंड एंड सॉल्व द प्रॉब्लम्स ऑफ इज ग्रुप लाइफ एंड ऑर्गेनाइजेशन इट इज़ द डिसिप्लिन इन्वेस्टिगेशन ऑफ पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स एंड नॉट ओनली टू शो वॉट अ पॉलिटिकल प्रैक्टिस बट ऑल्सो टू शो वॉट इट मीन्स इन शोइंग वॉट अ प्रैक्टिस मीन्स और वॉट इट ऑट टू मीन पॉलिटिकल थ्योरी कैन ऑल्टर व्हाट इट इज बेसिकली प्रॉब्लम्स क्या क्या फेस करते हैं ग्रुप लाइफ ऑर्गनाइजेशन में और पोलिटिकल प्रॉब्लम्स हमें क्या क्या आती हैं पोलिटिकल तो, प्रैक्टिस क्या होती है क्या मतलब होता है उसका ठीक है या फिर क्या मतलब हो सकता है पॉलिटिकल थ्योरी कैसे ग्रो की तो इन सब चीज़ों के बारे में सेवाइन ने यहाँ पर बात करने के लिए बोला है तो आपको डिटेल में पॉलिटिकल थ्योरी एज अ होल के बारे में यहाँ पर डिस्कस करना है तो जॉर्ज सबाइन जो है वो काफ़ी फेमस आपके पॉलिटिकल थ्योरी में काफ़ी फेमस एक थिंकर मान जाते हैं जिन्होंने एक पॉलिटिकल थ्योरी कैसे इवॉल्व करती है उसके बारे में बात की है तो उनका अगर मैं आपको शॉर्ट में डिस्क्रिप्शन दूँ तो सेबाइन ने कैसे थिंक करते जो ये मानते थे कि पॉलिटिकल थ्योरी जो है वो अलग अलग जैसे आपके थिंकर्स होते हैं ना जैसे किसी थिंकर ने कुछ कहा है किसी थिंकर की कोई व्यूज़ हैं तो अलग अलग थिंकर्स के जब व्यूज़ को आप मिक्स करते हो एक जगह इकट्ठा कर लेते हो तो वो आपका पॉलिटिकल थ्योरी बना देता है तो उनकी जो किताब है हिस्ट्री ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी उसमें भी बिल्कुल यही सेम बात पे सेम लाइंस पे सेबाइन ने बात की हुई है कि आपकी जो ये पूरी बुक है वो उसी पर है कि जिसमें इस किताब में भी उन्होंने अलग अलग थिंकर्स हैं पॉलिटिकल थिंकर्स उनके व्यूज़ वहाँ पर मेंशन किए हुए उसी के बारे में पॉलिटिकल थ्योरी कि जब लोगों के अलग अलग व्यूज़ हो जाते हैं वो सारा उसका अमेल्गमेशन जो है पॉलिटिकल थ्योरी बना देता है ठीक है पॉलिटिकल थॉट्स उसमें से निकल कर आते हैं अलग अलग लोगों के इसी वजह से तो अब Uh, कैसे ग्रो किया पॉलिटिकल थ्योरी का ग्रोथ क्या था कैसे इवोल्व किया वो सब चीज़ें भी इनकी किताब में आपको मिलती हैं मतलब कि आप प्लेटो से शुरू करते हो प्लेटो से शुरू करते हुए आप फासिज़म नाजिज़म तक जाते हुए सारे व्यूज़ जो हैं वो आपको इस किताब में मिलेंगे तो उसी के बेसिस पर यहाँ पर पॉलिटिकल थ्योरी के बारे में उन्होंने ऑल एंड ऑल डिस्कशन करने के लिए यहाँ पर बोला है ये वेबसाइट है सिनोपजाइज डॉट इन यहाँ पर आप फ्री रिसोर्सेज सेक्शन में जाओगे तो आपको जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की बुकलेट है वो यह, यहाँ से आपको मिल जाएगी बाकी आप ऑप्शनल्स में जाओगे तो पी एस आई आर ऑप्शनल में आपको जो भी डिटेल चाहिए ऑप्शनल की वो भी मिल जाएगी साथ में यहाँ से भी आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की जो बुकलेट है यहाँ से फ्री स्टडी मटेरियल है यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो तो उसमें 1979 से लेकर 2021 के सारे क्वेश्चन हैं इससे ना आपको ये पता लग जाएगा कि वेटेज क्या है कहाँ से क्या आता है बाकी एनरोल करना चाहो तो आप यहाँ से देख सकते हो मेन चीज़ आप ये ज़रूर डाउनलोड कर लेना पी एस आई आर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का और ये हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम्स में है तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये क्या है कि टॉपिक वाइज हम लोगों ने रीअरेंज किए हुए है क्वेश्चन तो मीनिंग में से कौन कौन से क्वेश्चन आए हैं वो यहाँ पर दिए हुए हैं तो जैसे सेबाइन का क्वेश्चन है वो यहाँ पर आपको मिल जाएगा फिर यहाँ पर और कौन कौन से क्वेश्चन आए हैं तो ये आपको आपके पास ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की बुकलेट ज़रूर होनी चाहिए कि किस टॉपिक की क्या वेटेज है कौन से कब क्वेश्चन आए थे ठीक है ये आपको पता होना चाहिए अब थोड़ा सा मैं आपको पहले इसका इंट्रोडक्शन देती हूँ कि सेबाइन क्या कह रहे थे सेबाइन के हिसाब से जो है वो ये कहते थे कि पॉलिटिकल थ्योरी जो है वो है हिस्ट्री है पॉलिटिकल थ्योरी इज़ हिस्ट्री ठीक है तो ये जॉर्ज सेबाइन जो है वो बहुत ज़्यादा एडवोकेट करते थे बट सारी हिस्ट्री जो है वो पॉलिटिकल थ्योरी नहीं है ठीक है जैसे कि पॉलिटिकल थ्योरी सारी की सारी हिस्ट्री नहीं है वैसे ही सारी हिस्ट्री भी पॉलिटिकल थ्योरी नहीं है बट पॉलिटिकल थ्योरी हिस्ट्री है ये यह यहाँ पर इन्होंने एडवोकेट किया हुआ है अब पॉलिटिकल थ्योरी किस सेंस में हिस्ट्री है के मतलब कि कि आप टाइम अंडरस्टैंड करते हो जगह अंडरस्टैंड करते हो और सरकमस्टानसिस देखते हो कि किस तरीके से पॉलिटिकल थ्योरी इवॉल्व हुई है उस सेंस में हम देखें कि पॉलिटिकल थ्योरी एक हिस्ट्री है क्योंकि उसमें टाइम देखा जाता है कि इस टाइम में क्या चीज़ थी उसके हिसाब से चीज़ें एवेलट की जाती हैं प्लेस देखी जाती है सर्कमस्टांसिस देखे जाते हैं फिर उसका ग्रोथ देखा जाता है इस वजह से एक हिस्ट्री मानी जाती है पॉलिटिकल थ्योरी अब हिस्टोरिकल एविडेंस जितना भी हम अलग अलग पॉलिटिकल डेटा से गेदर गैदर करते हैं उससे हमें ये पता लगता है कि पॉलिटिकल थ्योरी जो है वो अलग अलग पॉलिटिकल फिलासफ़र्स के जब हम व्यूज़ एक जगह मैलगमेट कर देते हैं पॉलिटिक्स एक्सप्लेन करने के लिए उसी के बारे में पॉलिटिकल थ्योरी तो जी एच सिबाइन जो है वो उनकी जो किताब है हिस्ट्री ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी उसमें यही सब जो अलग अलग पॉलिटिकल फ़िलासफ़र्स हैं उनका पूरा डिटेल्ड अनालस है कि अलग अलग पॉलिटिकल फिलासफर्स फ़िलासफ़र्स के लिए पॉलिटिकल थाट्स हैं क्या उनके अपने अपने अलग अलग क्या प्रोक्लेम करते थे वो उनके अपने अलग अलग क्या पॉलिटिकल थाट्स रहे हैं के डिस्पाइट द फैक्ट के बुक का टाइटल पॉलिटिकल थ्योरी है बट सेबाइन के हिसाब से पॉलिटिकल थॉट्स अलग अलग लोगों के यही पॉलिटिकल थ्योरी बनाता है तो अब आप पॉलिटिकल थ्योरी और पॉलिटिकल थॉट इन दोनों ही चीज़ों को एक सिमिलर ग्राउंड पर तो प्लेस करते ही हो बट साथ ही साथ यहाँ पर पॉलिटिकल फिलॉसफी और पॉलिटिकल आइडियोलॉजी इन दोनों को भी इंटरलिंक किया गया है इन दोनों ही चीज़ों के साथ ठीक है तो सेबाइन ने बेसिकली पॉलिटिकल थॉट में और पॉलिटिकल फिलॉसफी में कोई डिस्टिंक्शन नहीं किया है कि जब भी आप किताब देखोगे हिस्ट्री ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी उसमें भी आपको ना इंट्रोडक्टरी पार्ट में यही दिखेगा कि इसमें पॉलिटिकल फिलॉसफी को डिफाइन किया जाता है और एक्सप्लेन किया जाता है पॉलिटिकल थ्योरी पॉलिटिकल थॉट की ही कॉन्जोनेंस में किया जाता है इनफैक्ट रॉजर्स क्रूटन इनकी एक किताब थी डिक्शनरी ऑफ पॉलिटिकल थाट इन्होंने भी ये एक्सप्लेन किया है कि पॉलिटिकल थॉट जो है जितने भी अलग अलग लोग हैं जिन्होंने अपना एक दूसरे का पॉलिटिकल बिहेवियर एक्सप्लेन करने के बारे में बात की है उनकी जो वैल्यूज़ हैं जिससे जिसके ऊपर वो पॉलिटिकल थॉट को जज करते हैं या वो बिहेवियर जज करते हैं और कैसे मकैनिज़म्स हैं या फिर लॉज कौन से हैं जिसमें जिससे वो पॉलिटिकल बिहेवियर या पॉलिटिकल थाट को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं तो इन सब की जो थ्योरीज़ हैं वो इस पॉलिटिकल थाट में आती हैं पॉलिटिकल थाट यही सब चीज़ें इंक्लूड करता है ठीक है पॉलिटिकल बिहेवियर वन वैल्यूज बाई विच दे जज इट देन मैकेनिजम्स मतलब कि लॉज जिससे वो उसको कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं तो ये चीज़ के बारे में बात की है अब एक जो टेक्स्ट होता है पॉलिटिकल थ्योरी में उसमें तीन एलिमेंट्स आते हैं देखो पहला एलिमेंट आता है फैक्चुअल स्टेटमेंट्स फैक्चुअल स्टेटमेंट का क्या मतलब हो गया यहाँ पर कि कोई भी पॉलिटिकल थ्योरी हो गई ठीक है कोई भी आप ले लो तो उसमें दैट हैज टू हैव फैक्ट्स ऑन एज द बेसिस मतलब कि कि कोई भी आप पॉलिटिकल थ्योरी लोगे उसमें उसका जो बेसिस है ना उस उसमें फैक्ट्स तो होंगे ही होंगे ठीक है तो सेबाइन के वर्ड्स में अगर मैं बोलूँ तो सेबाइन इसको कहते हैं फैक्चुअल हिस्टोरिकल फैक्टर फैक्चुअल हिस्टोरिकल फैक्टर ठीक है factual, factual, अब यहाँ पर बेसिस क्या हो गया फैक्ट्स हो गए किसी भी पॉलिटिकल थ्योरी के बेसिस ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी इज़ फैक्ट्स अब क्या होता है अब बेसिस तो आ गए फैक्ट्स अब फैक्ट्स के बाद कुछ सर्कमस्टेंसेज आते हैं जिसमें वो पॉलिटिकल थ्योरी धीरे धीरे करके डेवलप कर जाती है ठीक है तो ये जब डेवलप करती है तो यहाँ पर सेकेंड चीज़ क्या हो जाती है आपकी वॉट इज़ लाइकली टू हैपन ठीक है क्या हो सकता है ठीक है एंड देन वॉट ऑट टू हैपन ठीक है कि क्या होना चाहिए तो वॉट इज़ लाइकली टू हैपन आपके फैक्ट्स आ गए फैक्ट्स के बाद आपका आता है कि सर्कम्स्टैंसेस क्या रहे आपके कौन से सर्कम्स्टैंसिस ऐसे थे जिसमें पॉलिटिकल थ्योरी डेवलप करती है ठीक है जिसको सेबाइन के शब्दों में कहते हैं कॉजल फैक्टर मतलब कि कॉजिज क्या थे क्या सर्कम्स्टेंसेज थे जिसमें ये डेवलप की ठीक है फिर तीसरी चीज़ आती है आपकी कि अब ये सर्कमस्टेंसेस डेवलप हो गए तो इसमें मैसेज क्या मिला हमें कि मैसेज मतलब कि क्या पॉलिटिकल थ्योरी निकल के आई कॉन्सिक्वेंस क्या हुआ क्या मैसेज मिला ये क्या होगा सेबाइन के शब्दों में हम इसको बोलेंगे वैल्यूएशनल वैल्यूएशनल फैक्टर ठीक है तो पॉलिटिकल थ्योरी वो सिर्फ हिस्ट्री नहीं है या कुछ ऐसा नहीं है कि हमें सिर्फ हिस्ट्री के बारे में ही पढ़ना होगा पॉलिटिकल थ्योरी पूरी पूरी हिस्ट्री बनाती है कि बल्कि इस इसमें साइंस भी आप देखोगे कि इन्वॉल्व है ठीक है तो फिलॉसफी इसमें इन्वाल्ड है जो कि फिलॉसफी क्या करती है मोटिवेट करती है पॉलिटिकल थ्योरी को ठीक है तो यहाँ पर इसी के बारे में यहाँ पर बात की है तो तीन स्टेजेस हो गई एक फैक्चुअल हिस्टोरिकल फैक्टर एक कॉजल फैक्टर है वैल्यूएशन फैक्टर इन तीनों फैक्टर्स के बारे में यहाँ पर सेबाइन ने बात की है तो इसमें ऑट टू को एक्सप्लेन किया गया डिस्क्राइब किया गया फ्रॉम द एक्सप्लेनेशन ऑफ इज तो ये तीन तरीके के फैक्टर्स ये कंटेन करती है फैक्चुअल कॉज़ल, वैल्यूएशनल अब पॉलिटिकल थ्योरी जो है वो यूजुअली जब बहुत ज़्यादा क्राइसिस आ जाता है ना उस टाइम में ये फ्लरिश करती है मान लो एक टाइम पर एक सेट ऑफ वैल्यूज़ थे अब यहाँ पर क्या होता है कुछ ऐसे तो ट्रांसफॉर्मेशन रहे होंगे या कुछ ऐसा क्राइसिस हुआ होगा जिसकी वजह से पॉलिटिकल थ्योरी को वैल्यूएट दोबारा से करने की नीड पड़ी या ग्रो करने की नीड पड़ी तभी तो ग्रोथ आती है ना जब प्रेशर पड़ता है या कोई क्राइसिस आ जाता है तभी तो आप ग्रो करते हो उसी टाइम में है ना तो यहाँ पर जब एक सेट ऑफ वैल्यूज़ से जब आप दूसरे सेट ऑफ वैल्यूज़ में शिफ्ट करने लगते हो तो उसमें बहुत सारी इंटेंस डिबेट्स इन्वॉल्व होती हैं बहुत सारे मोमेंटस ट्रांसफॉर्मेशनस देखे जाते हैं ऐसे ही टाइम में पॉलिटिकल थ्योरी फ्लरिश कर जाती है तो दो बहुत ही इंपॉर्टेंट पीरियड इस टाइम पर थे सेबाइन के हिसाब से जिसमें पॉलिटिकल थ्योरी बहुत रिच थी डाइवर्स थी बहुत अच्छे से फ्लरिश की सबसे पहला टाइम था फिफ्थ सेंचुरी बी ग्रीस में जब सिटी स्टेट जो है वो एक नया पॉलिटिकल फॉर्मेशन देख रही थी नया पॉलिटिकल फॉर्मेशन एमर्ज के आया था जिसमें फिलिप और उनके जो बेटे थे अलेक्ांडर उन्होंने ये पूरा पॉलिटिकल फॉर्मेशन को इस्टैब्लिश किया था तो पहला तो इस्टैब्लिशमेंट हो गया पॉलिटिकल फॉर्मेशन का दूसरा टाइम आया था सेवनटीन सेंचुरी ए इंग्लैंड में जब पहली कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेट को बनाया गया था नेशनल लाइन्स पे और ये एमर्ज होने लगी थी साथ में जितने भी इंटेलेक्चुअल और साइंटिफिक चेंजेस हैं जो कि उस टाइम पर वेस्टर्न वर्ल्ड को गवर्न कर रहे थे 1914 तक जिन्होंने गवर्न किया था उनका प्रिपरेशन अमर होना स्टार्ट हो गया था तो ये सब चीज़ें आई थी ये दो सबसे इंपॉर्टेंट पीरियड थे जिसमें पॉलिटिकल थ्योरी बहुत रिच थी डाइवर्स थी बहुत अच्छे से फ्लरिश की थी तो पॉलिटिकल थ्योरी जो है वो ग्रीस में एमर्ज की थी सिक्स से फिफ्थ सेंचुरी बीसी में जबकि इंडिया चाइना और इजिप्ट को अगर लिया जाए इनकी बात की जाए तो ये साइमल्टेनियसली अपना अलग से पॉलिटिकल फिलोसफिक फिलोसफिकल वर्ल्ड व्यूज़ इन्होंने अपने डेवलप किए थे नेक्स्ट अब पॉलिटिकल थ्योरीज़ ऑल इन ऑल अगर देखी जाए तो ये माना जाता है कि कोर एरियाज़ हैं पॉलिटिकल साइंस का और रिसेंट uh, टाइम्स में इसको एक एकेडमिक डिसिप्लिन के तौर पर देखा गया है दे, जब पुराने टाइम में मैंने आपको बताया था जब हमने क्लासिकल थॉट पढ़ा था पॉलिटिकल थ्योरी का तो उस टाइम पर एक अलग से कोई डिसिप्लिन भी नहीं था ऑटोनॉमस डिसिप्लिन माना भी नहीं जाता था पॉलिटिकल थ्योरी को तो ये रिसेंट टाइम्स में ही आया है कि पॉलिटिकल थ्योरी को एक अलग से एक अकेडमिक डिसिप्लिन के तौर पर देखा जाता है और पॉलिटिकल थ्योरी जो है वो बेसिकली आपकी फ़िलोसफी से पॉलिटिकल थ्योरी फिलोसफी की मदद से और साथ में एथिकल क्राइटेरिया की मदद से अलग अलग चीज़ों पर रिफ्लेक्ट करती है कौन कौन सी चीज़ों पर रिफ्लेक्ट करती है एक तो पॉलिटिकल फिनोमेना पर पॉलिटिकल प्रोसेसिस पर पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस पर और एक्चुअल पॉलिटिकल बिहेवियर पर तो इन सब चीज़ों पर पॉलिटिकल थ्योरी रिफ्लेक्ट करेगी किसकी मदद से फिलोसफिकल और एथिकल क्राइटेरियन की मदद से ठीक है अब यहाँ पर दो तरीके के क्वेश्चन को कंसिडर किया जाता है पहला कि बेस्ट पॉलिटिकल ऑर्डर क्या होना चाहिए और दूसरा कि आइडियल फॉर्म ऑफ लाइफ जिसमें ह्यूमन बींग जो है उसको एक लार्जर कम्युनिटी में अपनी लाइफ लीड करनी चाहिए तो वो आइडियल फॉर्म ऑफ़ लाइफ क्या होनी चाहिए तो इस क्वेश्चन को भी पॉलिटिकल थ्योरी कंसिडर करके चलता है इसी के इर्द गिर्द सारी चीज़ें घूमती हैं सारे थिंकर्स है, के व्यूज़ घूमते हैं सारे थिंकर्स के व्यूज़ का अमेलगमेशन होता है तो पॉलिटिकल थ्योरी बन जाती है यही जीत सिबाहिन के व्यूज़ है वेरी सिंपल क्वेश्चन का आपका आंसर भी हो गया आपको पता लग गया कि सेबाइन की क्या व्यूज़ है सेबाइन कौन था क्या किस तरीके की थिंकिंग यहाँ पर रहती है ठीक है इतनी ही आसान है बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है भी नहीं ठीक है फिर जरमीनों का अब हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे जरमीनों के क्या व्यूज़ थे